स्टूडेंट, अकाउंट्स में हमने पिछले लेक्चर में हमारे मूल प्रलेखों के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमाणक किसे कहते हैं। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रमाणक के बारे में बता दिया था, फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार बताना चाह रही हूँ। प्रमाणक क्या होते हैं? प्रमाणक का मतलब होते हैं वाउचर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम वाउचर। एक लिखित प्रलेख होते हैं जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं, यानी लेखापाल है, उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो हमारे व्यावसायिक लेन देनों का प्रमाण होते हैं। प्रमाण हमारे मूल प्रलेख भी होते हैं, ठीक है, लेकिन व्यावसायिक लेन देनों के साक्ष को हम मूल प्रलेखों के नाम से जानते हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा था, कैश मेमो, बीजक, विक्रय बीजक, नगद रसीद, जमा पर्ची, है ना, नाम पत्र, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमाणक मुद्रित रूप में होते हैं। लेन देनों का सर्वप्रथम मूल प्रलेखों में लेखा किया जाता है और उसके आधार पर प्रमाणकों को तैयार किया जाता है। प्रत्येक लेन देन के लिए पृथक प्रमाणक तैयार किए जाते हैं, जो स्पष्ट करते हैं कि किस खाते को डेबिट किया जाना है और किस खाते को क्रेडिट किया जाना है। और ये सब करने के पश्चात ही प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, यानी जर्नल में हम क्या करते हैं, या सब्सिडरी बुक होते हैं, उनमें उनका लेखा किया जाता है। लेखांकन प्रविष्टियों का लेखा प्रमाणकों के आधार पर किया जाता है, इसीलिए इन्हें प्राय लेखांकन प्रमाणकों का नाम दिया जाता है और ये प्रत्येक लेन देन के मूल प्रलेखों का प्रमाणक के साथ लगाया जाता है। इनकी विशेषता है कि ये मुद्रित रूप में होते हैं, ये लेखापाल द्वारा तैयार किए जाते हैं, खातों को नियमानुसार इसमें डेबिट क्रेडिट किया जाता है, इस पर क्रम संख्या लिखी होती है और प्रत्येक प्रमाणक के साथ उसका जो सोर्स होता है, यानी मूल प्रलेख होता है, वो साथ लगाया जाता है और प्रमाणकों का अंकेक्षण भी कराया जाता है। और साथ ही साथ अधिकृत जो हमारा अधिकारी होता है, वो इस प्रमाणक की जांच कर उस पर अपने हस्ताक्षर भी करता है। अब आता है कि प्रमाणक और मूल प्रलेख में क्या अंतर होता है। मूल प्रलेख और प्रमाणकों के अंतर की यहाँ पर मैंने आपको एक सारणी बनाकर दी है। सबसे पहले अर्थ को ले लेते हैं। मूल प्रलेख किसी लेन देन का लिखित प्रमाण होता है। प्रमाणक भी क्या होता है, एक ऐसा प्रलेख है जो व्यावसायिक लेन देन को साक्ष्य प्रदान करता है। विवरण की बात करें, इसमें संपूर्ण विवरण लिखा होता है मूल प्रलेख में। यहाँ पर ये विवरण लिखा होता है कि किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट किया जाना होता है। प्रमाण है ये व्यावसायिक लेन देन का प्रमाण होता है मूल प्रलेख, जबकि प्रमाणक लेन देन को उचित ढंग से लेखा किए जाने का प्रमाण होता है कि हमने हमारे द्वारा लेखा पद्धति के नियमों के अनुसार खाते को डेबिट और क्रेडिट किया है। तैयार करना, ये व्यावसायिक लेन देन किसी भी व्यावसायिक लेन देन के प्रारंभ के समय ही तैयार कर दिए जाते हैं, जैसे विक्रय और क्रय पर, जबकि प्रमाणक है वो लेखांकन नियमों के अनुसार लेन देन का लेखा करने के लिए जो हमारा लेखापाल होता है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमाणकों के प्रकार दो होते हैं, नकदी के प्रमाणक और गैर नकदी के प्रमाणक। नकदी के प्रमाणक क्या होते हैं? जब भी हम किसी व्यक्ति का भुगतान नकद या चेक के द्वारा करते हैं तो नकदी के प्रमाणक बनाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेबिट प्रमाणक और दूसरा होता है क्रेडिट प्रमाणक। डेबिट प्रमाणक क्या होता है? डेबिट वाउचर जो होता है, जब भी हम चेक द्वारा या नगद द्वारा किसी का भुगतान करते हैं तो ये तैयार किए जाते हैं और ये भुगतान प्राय निम्नलिखित परिस्थितियों में किया, जब हम माल खरीद रहे हों, किसी को मजदूरी वेतन आदि चुका रहे हों, स्थायी संपत्तियों का नगद क्रय कर रहे हों, या कोई इन्वेस्टमेंट का नगद क्रय कर रहे हों, लेनदारों को भुगतान कर रहे हों, आहरण कर रहे हों, या बैंक में रोकड़ जमा करा रहे हों, तो हम क्या बनाते हैं, हम डेबिट वाउचर्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम प्रमाणक संख्या लिखते हैं, डेबिट किए जाने वाले खाते का शीर्षक, लेन देन का संक्षिप्त विवरण, इसके अलावा अधिकारी के हस्ताक्षर, तैयार करने वाले व्यक्ति यानी लेखापाल के हस्ताक्षर, भुगतान प्राप्त होने वाले करने वाले के हस्ताक्षर, ठीक है। अगर राशि मान लो 5,000 से अधिक रुपए की है तो रेवेन्यू स्टैम्प इस पर लगाया जाता है। अब आता है हमारा अगला जो होता है क्रेडिट प्रमाणक। ये भुगतान, जैसे
डेबिट प्रमाणक जो बना रहे थे, वाउचर बना रहे थे, वो भुगतान करते समय बना रहे थे, तो क्रेडिट प्रमाणक भुगतान प्राप्त करते के समय बनाया जाता है, जब हमने नगद माल बेचा हो, स्थायी संपत्तियों को बेचा हो, विनियोगों का विक्रय किया हो, देनदारों से नगद प्राप्ति की हो, पुराने अखबार कोई और चीज़ें होती हैं कबाड़ी वो बेचा हो, या बैंक से कैश निकाला हो, तो हम क्या करते हैं क्रेडिट वाउचर को बनाते हैं। इसमें फर्म का नाम पता, बनाने की तिथि, प्रमाणक की संख्या, क्रेडिट किए जाने वाले खाते का शीर्षक, लेन देन का संक्षिप्त विवरण, उसकी राशि, तैयार करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर लिखे होते हैं। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा प्रमाणकों का दूसरा प्रकार होता है, उसको बोलते हैं गैर नगदी प्रमाणक, या इसको हम बोलते हैं हस्तांतरण प्रमाणक भी बोलते हैं। ये प्रमाणक ऐसे लेन देन के लिए तैयार किए जाते हैं जो नगद में नहीं होते, अर्थात जिसका भुगतान या हम देन लेन नगद में नहीं करते हैं। ये निम्नलिखित स्थितियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे उधार, क्रय विक्रय, क्रय वापसी, डूबत ऋण, डेप्रिसिएशन के लिए कोई प्रावधान कर रहे हैं, स्थायी संपत्तियों का उधार क्रय विक्रय कर रहे हैं, विक्रय वापसी हो रही है, अशुद्धियों का सुधार, उन सब चीज़ों के लिए इसको हम बनाते हैं। और गैर नकदी प्रमाणक है, उसके अंदर भी क्या होता है, फर्म का नाम पता, बनाने की तिथि, प्रमाणक की संख्या, डेबिट किए जाने वाले खातों के संचित विवरण, राशि, उसके साथ लगाए गए मूल प्रलेख, तैयार करने वाले व्यक्ति और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर भी इस पर किए जाते हैं। इस प्रकार हमारा एक टॉपिक जो हमारा लेन देनों का उद्गम या प्रमाणक तैयार करने से संबंधित था।